जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत की कंपनी के साथ मिनिएचर सैटेलाइट के लिए अब डील को फाइनलाइज कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये आईडेक्स के तहत साइन की गई डील है क्या और ये आईडेक्स प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का किस प्रकार से रन करता है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। अभी हाल ही में यानी कि 25 जून 2024 को आईडेक्स के द्वारा 350th कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन किया गया और इसमें आईडेक्स जिसका फुल फॉर्म इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस है, उन्होंने अपने 350th कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए एक सबसे बड़ी राह को आसान कर दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए मिनिएचर ऑब्जर्वेशन का इमेजिंग सेटेलाइट की डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत की ही प्राइवेट फर्म स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कर ली है, जिसके माध्यम से मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिंथेटिक एपरेचर रडार हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड जिसका वजन लगभग 150 किलोग्राम रहेगा, इस क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना को इक्विप्ड किया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे मेक इन इंडिया आईडेक्स प्रोग्राम के तहत हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कई इंपॉर्टेंट डील्स की गई हैं और ये जो 350वां कॉन्ट्रैक्ट है वो भारतीय वायुसेना के साइबर स्पेस स्पेस कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में कहा है कि द कंपनी हैज बीन एक्टिवली वर्किंग टू बिल्ड एंड लॉन्च हाई रेजोल्यूशन हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट टू प्रोवाइड डिटेल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। हम जानते हैं कि भारत तो काफ़ी बड़ा है। भारत में हम जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप देश है, यानी कि इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री विच आर सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज इन थ्री एरियाज। साथ ही साथ भारत के दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भी हैं, तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है, सर्वेलेंस करना है। सर्वेलेंस बेहतर तभी हो पाएगा जब हमारे पास हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट होंगे, जो कि हमें लगातार 24x7 जो है डेटा को दे सकेंगे। भारतीय वायुसेना जितने भी यूएवीज पर काम कर रही है, जिसको हम प्रोक्यूर कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से तभी वर्क कर पाएंगे जब हमारे सैटेलाइट के द्वारा दिए जा रहे कम्युनिकेशन डेटा लिंक आपका बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो आईडेक्स जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, उन्होंने ये 350th कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन किया हुआ है स्पेस पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड के साथ और इनके माध्यम से सैटेलाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और आपकी सैटेलाइट बनाकर दी जाएगी, जिसको इसरो के द्वारा प्रक्षेप किया जाएगा और फिर इससे भारतीय वायुसेना इसको अपने काम में आपकी ले आ पाएगी। दिस चैलेंज इज बीइंग हेल्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। द 150th आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन इन 2022। तो आज से 2 साल पहले 150वां जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आईडेक्स ने साइन किया था और 2 साल के बाद यानी कि लगभग 18 मंथ में हमने 200 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन किए और 350 के इस आपके नंबर पर हम ले गए हैं। किस प्रकार से हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट होगी तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसमें ये अलग अलग आपकी स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन हमको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सभी फैक्ट्स को फिगर आउट करना है। आईडेक्स प्रोग्राम देखें। So, the IDEX, the recipient of the esteemed Prime Minister Award for Public Policy Innovation Category 21, emerged as a game changer in the defense ecosystem. इसको DIO अर्थात Defense of Department of Defense Production के तहत आपका लॉन्च किया गया था, जिसमें 11 एडिशन का डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज भी आपका साइन किया गया, जिससे कि हर साल इसको किया भी जाता है, जिससे कि जितने हमारे युवा हैं टेक्नीशियंस हैं वो आगे आए, वो हमारे सेना के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में बेहतर कर सकते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इनोवेट रिसर्च डेवलप कर पाएंगे, उस पर ये वर्क किया करते हैं। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में आपका साइन किया था, लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू कल्टिवेट एन इनोवेशन सिस्टम इन द डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर बाय कोलैबोरेटिंग विद स्टार्टअप इनोवेटर्स एमएसएमई इनक्यूबेटर्स एंड द एकेडमिया। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं इनोवेटर्स हैं, इन सभी की सहायता के माध्यम से आईडेक्स को बेहतर करना, और इसी कारण से आईडेक्स
2018 से लेकर 24 तक इन्होंने 350 कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन कर लिए हैं। आईडेक्स ऑफर्स ग्रांट एंड सपोर्ट फॉर रिसर्च डेवलपमेंट विथ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एडॉप्शन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि DIC कॉम्पिटिशन होता है, उसमें बहुत सारे हमारे युवा लोग शामिल होते हैं। अब जिनका रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन बेहतर है तो सरकार उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उनको अपने तरफ से फैसिलिटेट करती है जिससे कि वो रिसर्च डेवलपमेंट बेहतर कर पाए। इट इज करेंटली इंगेज विद अराउंड 400+ स्टार्टअप्स एंड द MSME। तो इन्होंने अपना ये जो क्षेत्र बनाया है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें कई लोग आपके इन्वॉल्व रहा करते हैं। इसकी फंडिंग की बात करें तो DIO अर्थात डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 2 फाउंडर मेंबर्स इसके डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग HAL और BEL हैं। तो इनके द्वारा इनको आपका फंड करवाया जाता है जिससे कि अपनी डेली टू डेली एक्टिविटी आपका बढ़ा सके। साथ ही साथ इनोवेशन में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन कैसी होनी चाहिए, हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस किस प्रकार से बनना चाहिए, तो इस पर ये आपका वर्क किया करते हैं और इनको पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार की सपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारतीय वायुसेना का, जो कि उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद दिस सभी क्रैक एग्जाम, वॉर 10 कोड का यूज करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।